नमस्कार दोस्तों, आज हम सारी टीम और सभी लोग आए हैं बच्चों का चेकअप करने के लिए। और सभी बच्चों को हमने चेकअप किया, कई सारी दिक्कतें हैं बच्चों को, उसके लिए बच्चों को हमने दवाइयाँ दी। और आप भी अपने बच्चों का चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब वो स्वस्थ होगा। इसलिए सभी अपने बच्चों का जरूर चेकअप कराएं। उनको जो भी समस्याएं हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसका निःशुल्क इलाज होता है बच्चों का। और अपने बच्चों का इलाज कराइए और उनको स्वस्थ रखिए और उनका अच्छे से पालन पोषण कीजिए। धन्यवाद। आप लोग ब्रश करना चाहिए सब बच्चों को, कौन करता है ब्रश? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को रोज उठ के ब्रश करना है, और ब्रश करने के बाद में फिर तुरंत फ्रेश होने के लिए जाना है, लेटरिन जरूर जाना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, कोई शाम को जाता है, कोई एक दिन छोड़ के जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डेली सुबह सुबह जाना है। आप डेली सुबह फ्रेश होने जाओगे तो हमें स्वस्थ रहोगे, आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, नहाना है आपको। डेली नहाते हैं सब बच्चे? डेली नहाते हैं, नहाते फिर सुबह सुबह रोज नाश्ता करना है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए आप लोगों को, सभी लोगों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी आगे की प्रोसेस करेंगे, आप स्कूल जाएंगे और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। इसके अलावा आपको कोई भी कभी भी दिक्कत हो तो आप मैडम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ आते रहेंगे, आपका चेकअप करते रहेंगे। ठीक है, चलो आप चेकअप करवाओ और बिस्किट खाओ। इधर आओ बेटा, क्या दिक्कत है आपको? मैं कौन पता है? इधर आओ, इधर देखो, हमारी तरफ देखो थोड़ा सामने। जीभ दिखाओ बेटा, जीभ। भूख नहीं लगती अच्छे से? पेट में दर्द होता है क्या तुमको? कमजोरी लगती है। अरे नाखून काटा करो अच्छे से, देखो नाखून में मिट्टी भरी हुई है, इससे क्या होता है पेट में कीटाणु चले जाते हैं, पेट में कीटाणु जाएंगे तो फिर पेट में दर्द होगा ना, इसलिए नाखून काटा करो। ठीक है, कुछ दवाई दे दूँ तो वो बच्चों को तुम्हें क्या चाहिए बताओ? पिटवटी सब कुछ मिल गया उसे तो। जो बेटा वो वहाँ से भी दवाई ले लो, तीनों में से एक एक चम्मच सुबह शाम पीना बेटा। है अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल मीडिया है, इसमें जो महावारी होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। और महावारी होना खराब बात नहीं है, ठीक है। जब आपको पहली बार बीडी हुआ तो आप डर जाते हो, डरने की जरूरत नहीं। अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, ठीक है। लेकिन हम उस गर्व की बात को गंदी बात कहते हैं, गंदी बात नहीं होती ये सारी चीजें, ठीक है। कल को आपके पास सैनिटरी पैड नहीं होगा, सुनो बेटा, सुनो मेरी बात, कल को जब आपके पास सैनिटरी पैड नहीं होगा तो आप हमें बताओगे, भैया को बताओगे, पापा को बताओगे, मम्मी को बताओगे, लेकिन गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये सब चीजों की जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है। जब आप पांचवी क्लास में जाओगे तब आप इस दौर से गुजरोगे, ठीक है बेटा। और सबके साथ ये होता है, नॉर्मल चीजें होना चाहिए, और इसमें डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं। अपने से बड़ों को बताना। हाँ ठीक है, तो मैं सबको एक एक दे रही हूँ, फिर सब लोग ऐसे पकड़ेंगे और हम सब एक फोटो खींचेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया बेटा, तुम लोग पहले चेक करवा लो, इधर ले आओ बच्चे को। अच्छा नहीं, एक बार हम दोबारा उसको डिस्कस थोड़ा सा क्या रहना, तो रहना।